जामताड़ा बराकर नदी में बीते गुरुवार को हुए। नाव हादसे में लापता कुल 14 लोगों का शव बरामद कर लिया गया है। पांचवें दिन जिला प्रशासन के हाथ यह सफलता लगी है कि नदी में डूबे सभी लोगों एवं उनके बाइक और साइकिल तक को निकाल लिया गया और परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। बता दें कि नाव में कुल 19 लोग सवार थे, जो धनबाद जिला के निरसा के बरबेदिया नदी घाट से जामताड़ा के श्यामपुर नदी घाट के लिए चले थे, लेकिन गुरुवार की शाम तेज आंधी के साथ हुई बारिश के दौरान नौका बीच नदी में ही पलट गई। घटना के बाद नाव पर सवार 19 में से 5 लोग किसी तरह तैर कर अपनी जान बचाने में सफल हो गए, लेकिन बाकी के 14 लोग नदी में लापता हो गए। एक्चुअली 24 तारीख को शाम में ये घटना हुई थी और NDRF कंट्रोल रूम को एक रिक्वेस्ट गया और उसी बिहाफ पे देवघर से एक टीम यहाँ पे आकर के 24 तारीख को ही रात से उसने ऑपरेशन करना शुरू किया, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता था कि बोट किस जगह पे डूबी है, तो इस कारण से थोड़ी सी परेशानी आ रही थी। 25 तारीख को एक और टीम रांची से आई और कुछ स्पेशल इक्विपमेंट भी यहाँ पे मंगवाए गए, सोनार वगैरह आया, और उसके बाद हमने अगले दिन 25 तारीख से एक्सटेंसिव सर्च हम लोग करते रहे। 26 तारीख को जो नौका मिली उससे हमें एक आइडिया मिला कि इस जगह पे ही एक्चुअल इंसिडेंट हुआ है, और फिर उसी को हम लोगों ने आगे कंटिन्यू करते हुए उसके सराउंडिंग में सर्च किया। कुछ डेड बॉडी सिविलियंस को भी मिले जो आगे बह के चले गए थे, और बाकी अभी तक टोटल 14 की 14 डेड बॉडी रिट्रीव हो गई हैं, जिसमें कि आज 6 डेड बॉडी NDRF ने रिट्रीव की। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।